अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते दोस्तों। मैं आकिब शेख साहब, अहमदाबाद गुजरात विजन में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आया था हमारे उस्ताद के यहाँ, उस्ताद लियाकत मास्टर के यहाँ। सोचा शौक करा हूं आपको। देख सकते हैं, ये हमारे उस्ताद का लॉफ्ट है। इस तरह से इन्होंने लॉफ्ट बनाया है। यहाँ पर हर तरह का शौक होता है, बजरी, लवबर्ड, पिजन वगैरह सारी चीज़ें रखी हुई है। और ये इनके कबूतर है, देख सकते हैं, यहाँ बाहर जोड़े वाले कबूतर है इस तरह से। और कच्चे में कबूतर रखे गए हैं सारे, आप शौक कर सकते हैं इस तरह से। दोस्तों, ये इनके लॉफ्ट है, माशाल्लाह एकदम किंग साइज लॉफ्ट है, बड़े बड़े लॉफ्ट है, आप शौक कर सकते हैं। इसमें सारे पिजन्स हैं और बहुत ही अच्छा सेटअप किया है हमारे उस्ताद ने। दोस्तों, ये देख सकते हैं इस तरह से ये ब्रीडिंग सेटअप बनाया है हमारे उस्ताद ने। दोस्तों, एक जो पैर है उसका मैं आपको शौक कराता हूँ। इस तरह से कट करके बकेट वगैरह रखे गए हैं, यहाँ पर ब्रीडिंग होता है। ये सारे इस तरह से बेबीज़ हैं, आप शौक करिए, माशाल्लाह बहुत ही अच्छे बेबीज़ हैं। और इन्होंने जो ब्रीडिंग के लिए जो सेटअप बनाया है, आप देख सकते हो, बहुत ही नायाब है। ये क्रेट को कट कर करके, ये वन क्रेट को कट करके इस तरह से बनाया है। और देख सकते हैं, इस तरह से बेबीज हो रहे हैं। ये निशावरी फीमेल है जो बैठी है अंडे पे लेकर। तो सेटअप बहुत ही प्यारा बनाया है हमारे उस्ताद ने, आप एक शौक करिए इस तरह से। ये सारे बेबीज हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बाहर के थोड़े आपको पिजन का शौक कराता हूँ। दोस्तों, ये बाहर के पिजन से। दोस्तों, दूसरे लॉफ्ट का आपको शौक कराऊंगा। देखिए दोस्तों, ये इस तरह से इन्होंने पूरा सेटअप बनाया है। ये हमारे उस्ताद लियाकत मास्टर के वहाँ पे आप शौक कर रहे हैं, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा सेटअप है, किंग साइज देख सकते हैं आप। इस तरह से पूरा सेटअप है। दोस्तों, कैसा लगा आपको सेटअप बताइए ज़्यादा जरूर। ये इस तरह से पूरे पिजन है। दोस्तों, ये सारे इनके उड़ाने वाले कबूतर हैं जो इंशाल्लाह यहाँ से उड़ेंगे, देख सकते हैं। तो कैसा लगा सेटअप आपको, कमेंट करके ज़रूर बताना इनके कैसे लगे आपको पिजन्स। ये सारे इनके परवाजी के कबूतर हैं, वहाँ पर कबूतर परवरी होती है, सारी ब्रीडिंग होती है, यहाँ से कबूतर परवाजी होती है, उड़ान के कबूतर है सब। दोस्तों, एक निशावरे कबूतर का आप शौक करिए, बहुत ही नायाब कबूतर है, काला बिल्लाकड़ा निशावरा, अबलग निशावरी। दोस्तों, अब आपको मशक अली कबूतर का शौक कराया जाएगा। बहुत ही खूबसूरत और प्यारी ये फीमेल है, वाइट वाली, और ये मेल है, देख सकते हैं, अमेरिकन है ये कस्ते। कैसी लगी आपको जो पैर बताना जरूर। इनका ब्रीडिंग होता है माशाल्लाह, ये पूरा पैर है, बहुत ही खूबसूरत पैर है। ये मेल है ब्लैक वाला, और वाइट वाली फीमेल है, देख सकते हैं दोस्तों। ये इनके और परवाजी वाले कबूतर है, ये इस तरह से इनकी पेटी है। अंदर भी होता है ब्रीडिंग, वो लॉफ्ट के अंदर जो मैंने आपको दिखाया, और बाहर भी ब्रीडिंग होता है, देख सकते हैं आप। ये निशावरा कबूतर माशाल्लाह बहुत ही नायाब कबूतर है, ये निशावरे स्पेशली। यहाँ अगर किसी को
निशा और एक कबूतर लेने हो तो कॉन्टेक्ट कर सकता है वो मुझे। ये देखिए दोस्तों, ये एक निशावरा कबूतर है, माशाल्लाह बहुत ही नायाब कबूतर है, आप देख सकते हैं पूरा जोड़ा। इसका भाई है एक मेरे यहाँ, जो हमारे उस्ताद से हमने लिया था, हमारे यहाँ बाजी में उड़ता है, 1 बजे 1:30 बजे तक उड़ता है खतन निशावरा। देख सकते हैं आप दोस्तों, ये सारंगपुरी कबूतर भी आप शौक करिए, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी पैर है सारंगपुरी में। दोस्तों ये देख सकते हैं निशावरी हबलक, बहुत ही खूबसूरत कबूतरी है हबलक निशावरी। काट वाले कबूतरों का भी आप शौक कर सकते हैं, काट वाले कबूतर भी काफ़ी बढ़िया हैं यहाँ तो। हर तरह का यहाँ पर मिक्स कबूतर रखा गया है, बाजरे, खैरे, निशावरे। एक ये कल्डुमा कल्परा कबूतर है, इसका भी आप शौक कर सकते हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा कबूतर है। स्पेशली ये खैरे की पैर है, बहुत ही अच्छी, ये फीमेल है। दोस्तों एक ये बाजरे की पैर का आप शौक कर सकते हैं, ये नर है और ये मादा है, बहुत ही प्यारी मादा और उम्दा मादा है। स्लिम एंड ट्रिम, छोटा सा वजूद है कबूतरी का, माशाल्लाह देख सकते हैं आप, बहुत ही प्यारा गजरा है इसका, ये पूरी पैर है गजरे की। बाजरी फीमेल है, बाजरा फीमेल है। और ये केसरिया स्पेशली दोस्तों, ये इसका शौक करिए, केसरिया बहुत ही प्यारी नस्ल है। बॉर्डर वाला कबूतर है ये, देख सकते हैं आप। एक ये कल्डुमा मकवा, बहुत ही अच्छा कबूतर। तो दोस्तों कैसा लगा आपको सेटअप, लोकेशंस वगैरह आपको बताना ज़रूर कमेंट करके। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। दोस्तों एक ये पैर देख सकते हैं आप हबलक की, बहुत ही प्यारी पैर है, जो मादा को नर दौड़ा रहा है अंडे पे, फीमेल, ये देख सकते हैं आप, बहुत ही प्यारी पैर है। तो लोकेशंस थोड़ा मैं आपको दिखाना चाहूँगा हमारे उस्ताद का, ये बहुत ही प्यारा लोकेशन है, बहुत ही सुकून और चैन है यहाँ पर, चैन और सुकून से आप बैठ सकते हैं यहाँ पर, बहुत ही शांति है। चारों ओर आप देख सकते हो, पीछे रिवर है, वो जो आपको दिख रहा है वहाँ पर रिवर है और यहाँ पर कबूतर है। तो कैसा लगा आपको ये शौक हमारे उस्ताद का, ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और दोस्तों हम आपको मिलाना चाहेंगे यहाँ के पहरेदार से, जो कि ये है बादल, पूरी रात में जगा हुआ है पहरेदार, इसलिए अभी सो रहा है। बादल कैसा है बेटा, देखो एक्टिव है बहुत। दोस्तों अभी तक इसने 2 से 3 लोगों को काट चुका है, जो बिना इजाज़त अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। पहरेदार बहुत ही वफादार है, अभी थोड़ा आराम कर रहा है पहरेदार, पूरी रात में पहरेदारी की है इसने। तो दोस्तों जो कोई भी आए तो थोड़ा ध्यान रखें इसका स्पेशली। दोस्तों ये देखिए आप, तो दोस्तों यहाँ पर फेजेंट का भी ब्रीडिंग होता है, देख सकते हो आप, बहुत ही प्यारा है पैर है फेजेंट का। ये हमारे उस्ताद के यहाँ पर अलग अलग तरह का हर चीज़ों का शौक होता है। ये फेजेंट करके हैन होती है, मुर्गी होती है, तो बहुत ही अच्छी है, एक अलग ही मतलब ब्रीड है, रेयर ब्रीड है, देख सकते हैं आप। यहाँ पर लॉबर्ट वगैरह भी रखे गए हैं, लॉबर्ट का भी पूरा ब्रीडिंग सेटअप है, आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी लॉबर्ट्स है, तो आप देख सकते हैं। तो इसी के साथ चलिए दोस्तों, मैं इजाज़त लेना चाहूँगा, आपका दोस्त, आपका होस्ट आकिब शेख साहब, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, गुड बाय दोस्तों।